ठीक है, बाइक से और कच्चे सड़कों से, ये कच्ची सड़कों से, और पता ना वीडियो शूट करते करते कभी भी माना देखो अभी हम गांव में घूम रहे हैं, गाड़ी जा रहे थे मतियारी, तो फिलहाल अभी जो है अभी हम लोग देखिए गांव में घूम रहे हैं, मतलब सरे सरे, और मतलब मेन रोड पर क्या है कि पुलिस है, और मतलब हेलमेट तो हम भी लगाए हुए हैं, लेकिन चेकिंग चल रहा तो कुछ ना कुछ तो लेन देन हो ही जाएगा, और पकड़ने के बाद क्या है कि कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, जिसकी वजह से देखिए अभी हम लोग इधर से एक गांव है मोतिहारी से भी आ रहे थे, तो ऐसा हुआ तो चचा बताया कि ये रास्ता जो सरे सरे जो अंदर से है ना, मतलब इधर से निकलेगा, पता नहीं है कहाँ निकलेगा, हमको निकलना है चिरैया के लिए, और अभी मोतिहारी से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पे निकले हैं। अरे ये रास्ता सही है ना? हाँ, दूसरा रास्ता बताया है। सही है। कहाँ इधर रास्ता है यार? इधर जाना। देखिए हम लोगों को भी पता नहीं है इधर जाना है, और देखते हैं कैसे कैसे पहुंचते हैं, ये मामा के चक्कर में टपरा खा रहे हैं, और मेन दिक्कत क्या है कि अगर 50 रुपये का तेल जलेगा 500 रुपये तो बच जाएगा, 450 रुपये बच जाएगा, वरना पकड़ने के बाद 400-200 तो कुछ ना कुछ तो लेन देन होता ही है, बिना उसके कोई चारा नहीं है, बोलेगा ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो जिसकी वजह से हेलमेट वगैरह सब पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी वीडियो वगैरह सब शूट कर रहा है। अभी देख सकते हैं हम लोग कितना फेरा पड़ गया, मतलब कि इतना इजी रास्ता था, लेकिन पुलिस होने के बावजूद इसके हम लोगों को अंदर से जाना पड़ रहा है, और यहाँ से देखिए कि हर चीज़ है। तो फिलहाल देखिए हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग को निकलना चिरैया, और देखिए हेलमेट वगैरह मैं सब लगाया हूँ, आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसा नहीं कि मैं हेलमेट नहीं लगाया हूँ, और ये अंदर से मतलब गांव के एकदम सरे से जाने को मिल रहा है, और उधर क्या जैसे मैंने बताया कि बाइक का चेकिंग चल रहा है, और क्या कि कागज हो या ना हो, मतलब अगर पकड़ ले पुलिस रुकवा दे तो फिर दिक्कत हो जाती है, कुछ टाइम वगैरह बहुत वेस्ट होता है, इसे सिफारिश कीजिए वो कीजिए। इधर देखिए को मिल रहा है, पता नहीं ये कौन सा गाँव है, मुझे पता नहीं, अगर खेती की जाती है गन्ना वगैरह का कटिंग चल रहा है कुछ इस तरीके का भी है, और मैं बाइक पर भी चल रहा हूँ और चला रहा हूँ, और आप अरे बेटा साइड हो जाओ नहीं तो ब्लॉग में तुम लोग भी आ जाओगे इस तरह से, और मैं फर्स्ट टाइम जो है ना गाली दे रही है और पीछे है ना वो लोग बच्चे लोग है उसको, मतलब हट जाओ यार, ये पूरा गांव में मतलब कोई नहीं है, पूरा रोड जो है खाली है, मतलब दो तीन गाड़ी जो गांव में इसी तरीके से कोई लोग आते, इधर गन्ना वगैरह खेती की जा रही है, और ब्लॉग जो बन रहा है वो गाड़ी से बन रहा है, पीछे ताली बैठा हुआ है, सोचे चलो कुछ पैसा बच जाएगा, 400-500 रुपये बच जाएगा, तो क्या 50 रुपये का तेल जलेगा और क्या होगा, और थोड़ा गांव से भी चले जाएंगे, घूम फिर लेंगे और आपको भी दिखा देंगे। फिलहाल मैं मुतिहारी जा रहा था, और मुतिहारी का चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हेलमेट के अंदर से, तो आप देख सकते हैं चेहरा पहचान सकते हैं, मतलब हेलमेट मैं कभी भी निकलता हूँ मुतिहारी के लिए, ये रास्ता नहीं है ये वाला, यही बोल हाँ। तो फिलहाल अभी हम लोग आज जो है गांव में घूम रहे हैं, और आपको भारत का जो धरती का जो गांव होता है, मेन जो भारत जो होता है वो गांव में होता है, तो कुछ इस तरीके से देखिए पूरा खेत खलियान आपको देखने को मिल रहा होगा, और हम लोग गांव का सफ़र कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि बाइक की वजह से, मतलब चेकिंग की वजह से काफ़ी लोग देखिए बाइक जो कि इसी रूट से आ रहा जा रहा, कोई इधर से जा रहा कोई उधर से आ रहा, तो ये देखिए एक इधर गन्ने के खेत से जा रहा है, ये रास्ता है क्या सीधे यही रास्ता, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का व्यू है, और इसी रास्ते से हमको चलना है, और जैसे एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है, तो हमको इस रास्ते से निकलना है जो कि गांव का रास्ता, जो कि मिट्टी का कच्चा रास्ता है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा कच्चा रास्ता है, और कच्चे रास्ते में ब्लॉग चालू है भाई अपना ब्लॉग ही हर जगह चालू रहता है हेलमेट के अंदर से, और कच्चे रास्ते से ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी एक अलग ही अपना अनुभव रहेगा कि पुलिस से बचने के लिए कैसे कैसे लोगों को जुगाड़ करना पड़ता है, तो ये भी है, तो कुछ इस तरीके का देखिए गांव में जैसे कि कच्चे पूरा रास्ता मिट्टी का यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसी से हम लोग निकलेंगे, थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे हो जाएगा आपको थोड़ा बहुत आगे घर वगैरह देखने को भी मिल रहा होगा, और ये जो कि नारियल का सॉरी इसको तार का पेड़ बोलते हैं हम लोग, तो इधर हम लोग गाँव इधर इसी खेती इधर मैक्सिमम की जाती है, जैसे आप दूर दूर तक देख सकते हैं, तो अभी पता जो गेहूँ का जो खेती है वो है, बाकी जो तेलहन वगैरह मसूर वगैरह उसका इधर खेती की जा रही है, तो कुछ इस तरीके का व्यू है, और ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा रहेगा, उम्मीद करते हैं क्योंकि बाइक से और कच्चे सड़कों से, ये कच्ची सड़कों से, और पता ना वीडियो शूट करते करते कभी भी